हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम था सुबह का, 8 बज गया था। आरना आज स्कूल नहीं गई है, हमने जबरदस्ती इसके आज छुट्टी करवा दी है। और आज फ्राइडे है। सुबह जब मैं सुबह उठी थी आरना के लिए, मैंने ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया, उसका लंच भी मैंने रेडी कर दिया। बट क्या हुआ ना कि सुबह वैसे बारिश, बिल्कुल बारिश कह रही हो, मौसम ऐसा था ही नहीं कि बादल हो रहा हो, धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। आधे घंटे के अंदर मौसम ऐसा बदला, इतनी तेज हवाएं, इतनी तेज वाली बारिश हुई ना कि हस्बैंड ने बोला कि आज आना को रहने देते हैं, क्योंकि क्या है ना, एक तो क्या कहते हैं, बाइक पर ले जाना ठीक नहीं है और गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से जो है ना आरना जा नहीं पाई आज स्कूल। इसलिए हमने उसकी जबरदस्ती छुट्टी करवा दी। वैसे उसका कह रही थी कि नहीं, मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर गोलू के लिए बना रही हूँ आटे का हलवा, जो कि मैंने आपको बताया था ना जब मैंने छठी पूजी थी कि गोलू को आटे का हलवा बहुत पसंद आया था कि मैं इसके लिए बनाऊंगी। तो मैंने इसके लिए बनाया, इसने खा लिया है। और मुझे गोलू का नहलाना था बट मैं नहीं नहला पाई क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो गया। तो मैंने इसके बस गीले कपड़े से मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया है। और अभी मैं इसका बस ब्रश करवाऊंगी। मैं भूल ही गई कि अब वही होता है ना कि जब मैं उसको नहलाकर नहलाती हूँ तो साथ 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 में ना ये सारा काम भी हो जाता है। जैसे कभी मैंने जैसे ही उठा मैंने उसको फ्रेश वगैरह करवाया तब करवा देती हूँ, तो ज़्यादातर मैं तब भी करवाती हूँ, है ना। तो आज मैं भूल गई, तो एकदम से मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल रही हूँ। फिर फटाफट से इसको ब्रश करवाया, कपड़े चेंज किए इसके, तो इसको मैंने रेडी कर दिया है। आरना भी नहा ली है, आरना के पापा भी नहा लिए हैं, तो ये तीनों नहा लिए हैं। मैं आज इसलिए नहीं नहाई हूँ क्योंकि मुझे अभी हॉल साफ करना है। तो धीरे धीरे करके जो है ना मैं सारी चीज़ें, मतलब घर पूरा साफ कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से मैं लेकर नहीं बैठती हूँ। और क्या है ना कि फेस्टिवल भी शुरू हो ही गए हैं, क्या कहते हैं, नवरात्रि कह रही हूँ, अभी जन्माष्टमी गई, तो जन्माष्टमी से ही जो है ना, राखी से ही जो है ना त्यौहार बस शुरू ही हो गया। और पता है त्यौहार जब आते हैं ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा सा लगता है। तो एक तो घर में मतलब पूजा भी होती रहती है, खैर वो तो डेली की होती है, जब कोई फेस्टिवल आता है उसकी अलग पूजा होती है ना, तो उसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है, घर में पॉजिटिविटी आती है, मन को बहुत शांति मिलती है, और दूसरी चीज़ खुशियाँ आती हैं। तो बस उसी चीज़ की बहुत खुशी हो रही कि चलो क्या कहते हैं, त्यौहार आ रहे हैं और उस पर घर की सफाई पूजा ये सब स्टार्ट हो गई है। और बस अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर जो है ना, मैं क्या क्या था कि ना कि मैं कह रही हूँ कि हॉल की मुझे सफाई करनी है, बट वही ना, रात को मैं पता है 3 बजे सोई हूँ और मैं उठी हूँ सुबह 5 बजे, तो जिसके चक्कर में जो ना मेरी जो नींद नहीं पूरी नहीं हो पाई थी। तो मैंने क्या करा कि गोलू को सुलाने गई सुबह के टाइम ऐसे कोई 12 बजे, तो मेरी भी आंख लगी, मेरा पूरा घर का काम ऐसा रह गया, लंच रह गया करना, तो मैंने दोनों बच्चों को तो उठाकर लंच करवा दिया था, फिर मैंने पूरे घर का काम किया। उसके बाद आकर जो है ना मैं 4:30 बजे, 4:30 हो गए थे, तो मैं तब जाकर नहाई हूँ और अब जाकर मैं अपने कामों से फ्री हुई हूँ। तो फटाफट से बस मैंने चाय का पानी रखा, लंच अभी मैंने बस 15 मिनट भी नहीं हुई है मुझे, 5-10 मिनट हुई है लंच किए हुए, इतना लेट भी मैंने लंच किया है। तो बस अभी मैं चाय का पानी रख के, फिर मेरी ग्रोसरी भी आई है आज, तो उसको भी अरेंज करके रखना है मुझे। आज पूरी पूरी कोशिश थी कि मेरा जो मैं मॉर्निंग रूटीन में मैं शेयर करूं ताकि जो आज ही चला जाए, बट आज नहीं जा पाया क्योंकि मैं सो गई थी और काम बहुत लेट हुआ, इसलिए मैं नहाई भी बहुत लेट हुई। अच्छा, पहले मैं नाम सबके ले लेती हूँ क्योंकि बहुत मतलब उसमें से 2 कमेंट ऐसे हैं, वो कहते हैं कि दीदी मैं अपने व्लॉग आपके व्लॉग में मैं डेली कमेंट करती हूँ कि आप मेरे बेटे का नाम लिया करो। डेली तो नहीं, मतलब कि मैंने बहुत बार बोला है कि आप मेरे बेटे का नाम लिया करो, अब मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं उनका उनके बेटे का जो नाम है ना वो ले लेती हूँ। तो उनकी बेटी का नाम है तबलिंग। तो तबलिंग का मीनिंग क्या है मुझे बताना, तबलिंग नाम मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। ठीक है तबलिंग जी। अच्छा, और एक है सब्सक्राइबर, जिन्होंने मुझसे बोला है कि मेरे बेटे और बेटी का नाम लेना, उनके बेटे का नाम है स्वरा, और स्वरा जो नाम है ना मुझे बहुत बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैंने जब सोचा था, जब मैंने कहा अगर मेरी भी लड़की होगी तो मैं भी अपनी बेटी का नाम स्वरा ही रखूंगी, तो बहुत प्यारा नाम लगता है मुझे स्वरा। बेटे का नाम है ऐसे ही नाम है, स्वरांश करके ही है। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, और एक है गिनी जी, उन्होंने मुझसे बोला था कि आप दीदी मेरे नाम जरूर लेना, गिनी है।
और देखो मैं पता जल्दी जल्दी कमेंट करती रहती ना तो कुछ कुछ नाम याद माइंड में आ रहा जाते कि हाँ है तो मैं याद कर रही हूँ। मनीषा जी हैं और एक है उन्होंने मुझसे बोला था उनका नाम वैसे रमींद्र कौर करके है बट उनका नाम जो है ना उन्होंने मुझसे बोला उनका नाम है जपजीत सिंह। तो थैंक यू सो मच और जिसके भी नाम मैं भूल गई हो तो नेक्स्ट व्लॉग में पक्का लूंगी हम मुझे सब मुझे कमेंट करिएगा। ओके ये होगी मैं उसके नाम ले लिए हैं व्लॉग में और ठीक है। और आज जो है ना मेरी ग्रोसरी आई है थोड़ी बहुत आई है ये तेल है आटा मंगवाया है हल्दी है मतलब छोटी छोटी सी ग्रोसरी आई है ज्यादा क्योंकि अभी मेरे पास सामान था रखा हुआ था इसलिए ज्यादा कुछ मंगवाया नहीं है। मैंने ना आरना की एक फ्रॉक मंगवाई मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी ना लेकर ना बेड पर रखी हुई है तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छी लग रही थी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो मैंने वो मंगवाया। मैं आपको दिखाती हूँ आरना लेकर आ रही है तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ऐसा करो कि तुम भी इसी की मैचिंग का ना एक साड़ी ले लो। तो मैंने सोचा कि यार साड़ी खैर अच्छी लगती है साड़ी बट नहीं पहन जाती बहुत सारी साड़ियां हैं मेरे पास उनका नंबर नहीं आ पाता तो कह रहे थे ले लो देख लो अच्छी लगेगी मतलब तो इसमें आपको दिखाती हूँ। कपड़ा भी काफी अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आ रही थी आरना को मैंने पहन दिया था तो आरना के ऊपर ना ये कलर खिल रहा था ये देखो। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना इस कलर में मतलब इसी यही कलर और इसी प्रिंट में इसको हम कौन सा प्रिंट बोलते हैं बांधनी प्रिंट मेरा अभी पति ने बताया तो एक वो भी बोलते हैं पापा चुंदरी छाप भी बोलते हैं हमारे टाइम में चुंदरी छाप बोलते थे। तो ये कह रहे थे कि ऐसी वाली साड़ी ले लो और जैसे अभी फेस्टिवल शुरू हो गए हैं तो कह रहे थे या तो नवरात्रि में पहन लेना मतलब ऐसे में पहन लेना तो मैंने बोला कि वैसे मेरे पास पिंक कलर की रखी हुई है बट देख लेंगे तो आप मुझे बताना कैसी लग रही है मुझे बहुत प्यारी लग रही है। इसमें इसमें जो है ना एक येलो और रेड कलर था बट मुझे पिंक कलर पसंद आ रहा था नीचे सेम रहता है ब्लैक तो ये था अच्छी लगती थी। खैर योगी सारी बातें अब मैं करती हूँ क्योंकि कल है मुझे अभी पता है आज मैंने सोचा था कि मैं ना बाहर वाले रूम की जो है ना हॉल की मुझे सफाई कर रही बट नहीं हो पाई। अब मैं जब बच्चे सो जाएंगे तब मैं करूँगी थोड़ा सा ना ठीक ठाक सा करना है इसलिए। खैर बातें ज्यादा हो गई मैं आरना को दे रही हूँ चाय बना के। दोनों बच्चों को जल्दी मैं सुला देती हूँ वो सो गए हैं जैसे ही वो सोते हैं तभी हम जो है ना आराम से खाना खा पाते हैं क्योंकि अभी वन छोटा है और ना बहुत खाना खाते वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है और ऐसा लगता है कि खाना हम बस आराम से बैठ के खाएं है ना। तो पहले मैं दोनों को सुला कर तब जाकर जो है ना हम खाना खाते हैं। अभी 8:30 हो रहे हैं रात के तो पूड़ी है अचार लिया है अचार और पूड़ी ना बहुत अच्छा लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपको कैसा लगता है मुझे बताना। तो बस अभी खाना वगैरह हो गया है बर्तन साफ हो गया है खाना खाने के बाद ना आजकल मुझे मीठा खाने का बड़ा मन सा करता है तो बेसन के लड्डू हैं जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे थर्सडे का व्रत रखा था तो उसमें मैं बेसन का लड्डू खाती हूँ तो वो रखे हुए थे तो मैं वही खा रही हूँ। अच्छा अभी खाते खाते मुझे एकदम से ना युवान की रोने की आवाज़ आई तो मैं खा ही रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं देख कर आती हूँ क्योंकि वो रो रहा था बस उसको थप थप कर आना है आकर उसे फटाफट से कर आ गई और फिर मैं दोबारा बैठ गई खाने के लिए। उसके बाद बस थोड़े से मैं वही है फिर रात को 1 बजे सोई हूँ मुझे हॉल की सफाई करनी थी मैंने आपको बताया ना वो हो ही नहीं पाई रात को थोड़ी बहुत की है फिर सुबह फिर मैं वही 5 बजे उठ गई तो पता नहीं ज़िंदगी कैसी हो गई 3 बजे सो 5 बजे उठ जाओ नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अच्छा मैं भी यहाँ पर आरना को रेडी कर रही हूँ क्योंकि आरना आज है शनिवार आज ना आरना के स्कूल में जो है ना पार्टी है मतलब सेलिब्रेट किया जाएगा दादी ग्रैंड पेरेंट्स का जो है ना सेलिब्रेट किया जाएगा और आरना के दादा दादी हैं नहीं तो हमने बोला मतलब स्कूल से आया था फ़ोन अगर दादा दादी नहीं है तो नाना नानी को बुला सकते हो पर हमने बोला कि नाना नानी भी दूर रहते हैं और इतना टाइम नहीं है कि सुबह सुबह कौन आ पाएगा है ना पापा का भी जॉब है तो उस वजह से वो नहीं आ पाए और हमने बोला कि पेरेंट्स आ जाते हैं बट उन्होंने बोला कि पेरेंट्स का तो खैर वो होता ही है बट एक स्पेशल डे होता है दादा दादी का
तो फिर कहा तो कि फिर हमने बोला कि क्या करें आप बताओ, तो उन्होंने मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, पर बच्चे को जो ना कंपलसरी ही है आना, आप भेज देना। और ड्रेस कोड था उनका वाइट कलर की फ्रॉक पहनकर जानी थी। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है क्योंकि 2 दिन से कोई मेरा नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।